नमस्कार, विभिन्न समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। उच्चतम न्यायालय ने सिंगूर भूमि अधिग्रहण को निरस्त किया। उच्चतम न्यायालय ने टाटा मोटर के नैनो कार संयंत्र के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 2006 में सिंगूर में किए गए भूमि अधिग्रहण को बुधवार को निरस्त कर दिया। शीर्ष अदालत ने मौजूदा राज्य सरकार को यह आदेश दिया कि वह जमीन को अपने कब्जे में लेकर उसे संबंधित किसानों को लौटा दे। इसके लिए सरकार को 12 सप्ताह का समय दिया गया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों ने जमीन का मुआवजा ले लिया था, वे रकम नहीं लौटाएंगे, क्योंकि पिछले 10 साल में भूमि अधिग्रहण की वजह से उनकी आजीविका नष्ट हो गई थी। बलूचिस्तान समर्थकों ने लगाए मोदी लव यू के नारे। बुगती ने कहा धन्यवाद। बलूच नेता बरहुम बुगती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बलूचिस्तान की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाने के लिए दिल से धन्यवाद कहा है। बुगती ने अपने संदेश में स्पष्ट कहा है कि हम न पाकिस्तान का हिस्सा थे और न है और न ही रहेंगे। उधर लंदन के बाद जर्मनी में बलूच नेशनल मूवमेंट की शाखा ने आजादी के समर्थन में एक बार फिर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में मोदी लव यू के भी नारे सुनाई दी। बुगती ने स्पष्ट कर दिया कि वो आजादी के मुद्दे पर किसी तरह की बातचीत के लिए तैयार नहीं है। पाक सेना को बलूचिस्तान भी वैसे ही छोड़ना होगा जैसे उन्होंने 1970 में बांग्लादेश छोड़ा था। हरियाणा सरकार साइकिल पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लोगों को पर्यावरण अनुकूल परिवहन अपनाने का संदेश देने के लिए बुधवार को अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों और पार्टी विधायकों के साथ साइकिल पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे। 62 वर्षीय खट्टर और कई अन्य विधायकों ने मुख्यमंत्री आवास से विधानसभा तक की 1 किलोमीटर की दूरी साइकिल के जरिए तय की। कुछ महिला विधायक ई रिक्शा से विधानसभा पहुंची। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह लोगों को पर्यावरण के अनुकूल परिवहन साधनों का ज्यादा इस्तेमाल करने का संदेश देना चाहते हैं। दिल्ली की बारिश ने रोका जॉन कैरी का रास्ता, नहीं जा पाए मंदिर मस्जिद। राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार सुबह से भारी बारिश होने के चलते अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी का यहां के 3 धार्मिक स्थलों पर जाने का प्रस्तावित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। कैरी बुधवार पूर्वाह्न लगभग 11 बजे पुरानी दिल्ली स्थित गौरी शंकर मंदिर, जामा मस्जिद और गुरुद्वारा शीशगंज साहिब जाने वाले थे। कैरी 3 दिवसीय दौरे पर भारत आए हुए हैं। सोमवार रात को यहाँ पहुंचे कैरी यातायात जाम में भी फंस गए थे। उत्तर कोरिया के उप प्रधानमंत्री को सजाए मौत। दक्षिण कोरिया के अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि उत्तर कोरिया ने शिक्षा मामलों को देखने वाले एक उप प्रधानमंत्री को मौत की सजा दे दी है तथा 2 अन्य अधिकारियों को पुनर्शिक्षा के लिए ग्रामीण इलाकों में भेज दिया है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है क्योंकि उत्तर कोरिया में तानाशाही शासन है, जहां प्रेस पर सरकार का नियंत्रण है। इस वजह से स्थानीय नागरिकों के लिए भी यह जानना मुश्किल हो जाता है कि सरकार में क्या चल रहा है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।